ये क्या हुआ है भाई? भाई भाई क्रेक बहुत बढ़ गया यार। ये तो जितना भी हमारा शेड बनेगा वो अब सारा उसके पीछे बनेगा। यहाँ पे हमारी रजगा और बरसी लगी हुई थी ना वहाँ पे, वो देखो उसमें भी पूरे के अंदर हो रहा है। ये भाई देखो ऐसे ट्रैक्टर चल रहा है भाई, अभी गर्मी की वजह से ट्रैक्टर भी रुका हुआ है भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर शो इसके एक और जबरदस्त ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। दोस्तों आज हम बहुत टाइम के बाद में अपने इस वाले पार्ट में आए हैं। वैसे मैं तो आता रहता हूं पर आप लोगों को बहुत टाइम के बाद लेकर आया हूं यहां पे। यहां पे आप देखो भाई हमारी प्यारी प्यारी बछड़िया हैं। भाई ये देखो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही यार, देखना ये ब्लैक वाली को देखना आप, कब की मुझे घुमा रही है। मैंने ना वीडियो नहीं शुरू करी, मैं कोशिश ही कर रहा था कि अपना माइक कनेक्ट करूँ फटाफट से, इतने में ये बछड़ी मुझे 3 राउंड घुमा दिए यहाँ पे यहाँ पे। और हमारा बगली नो तो खाने में व्यस्त हो गया भाई, हाँ उसकी मस्ती हो गई, पर यार ये बछड़ी नहीं मान रही है बिल्कुल भी। आ जा, चलो आ जाओ। और यहाँ पे आप देखो भाई हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेहमान बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप उस बछड़ी को भी देख लो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी ना, लक्ष्मी को देख लो आप भाई, बहुत प्यारी हो गई यार लक्ष्मी अभी भी, है ना। देखो ये देखो, उस समय इसकी हाइट बहुत छोटी रह गई थी, अभी भी फिलहाल छोटी है, पर हाँ अब धीरे धीरे इसकी हाइट हो जाएगी भाई। चलो आ जा, ये देखो ये भाई ब्लैक वाली तो मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अरे ये बछड़ी क्यों डर रही है? और ये देखो भाई सबसे शैतान, ये रहा हमारा बगलिनो यहाँ पे। और भाई अभी आप देखो यहाँ पे हमने कुछ जुगाड़ उगाड़ बिठा के हमारी इस प्यारी सी जो मैंने इस शेड को तैयार किया था ना, इसको फिर से हमने खड़ा कर दिया है। वैसे ये जब आंधी आई थी ना परसों, तब ये पूरा टूट गया था भाई, पूरा बिखर गया था, फिर अभी हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ बिठा के इसे सही कर दिया है। चल भाई तू खा ले यार, ये देखो भाई बहुत प्यार कर रही यार। ये देखो भाई है तो बहुत प्यारी और बहुत सुंदर बछड़ी है ये अपनी। चल चल भाई, और यहाँ पे आप देखो भाई अपनी सारी गायें इस साइड है और सारी खाने में व्यस्त लगी हुई है। अभी तो आप देख लो हमारी राधिका यहाँ पे खड़ी है। राधिका भाई, राधिका नहीं आती यार बिल्कुल भी, ये देखो। और भाई ये बछड़ी तो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है। और हमारा बगली ना बगली, चलो अब तुम सब खा लो आराम से और मैं जाता हूँ अब यहाँ से फटाफट से उस साइड, आपको लेके चलता हूँ गायों के पास में और वहाँ पे दिखाता हूँ भाई इस साइड क्या चल रहा है। और थोड़ा बहुत आपको हमारी खेती के बारे में भी बताता हूँ कि अभी अभी क्या चल रहा है हमारे खेतों में। खेतों की मैं बात कर ही रहा हूँ तो इस साइड चलेंगे और आपको दिखाएंगे अभी हमारी खेती में क्या चल रहा है। तो अभी हम ये जो पीछे वाली जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम पूरे के अंदर पलटी पलव करा रहे हैं। अब ये पलटी पलव क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। और भाई यहाँ पे ये आवाज़ देखो भाई आप, ये पता है ये आवाज़ इतनी ज़ोर से क्यों आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें अगर जूम होगा और आपको क्लियर दिखे तो देखना आप कहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहे। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ाता हूँ, ये देखो भाई ये दिख रहा है आपको ये? अरे भाई ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। हाँ तो जो आप ये देख रहे हैं ना, यही इतनी आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं भाई ये कीड़े हैं या क्या है, पर इतनी ख़तरनाक आवाज़ निकालते हैं भाई, मतलब माइक में तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप खुद ही आवाज़ सुन पा रहे होगे कि कैसी आवाज़ ये निकाल रहे हैं। चलो भाई अब तो आपको सबसे पहले बताता हूँ पलटी पलव के बारे में, जो कि हमारे पीछे वाली ज़मीन में हो रहा है यहाँ पे पूरे के अंदर। और जहाँ पे हमारी रजगा और बरसी लगी हुई थी ना वहाँ पे, वो देखो उसमें भी पूरे के अंदर हो रहा है। ये भाई देखो ऐसे ट्रैक्टर चल रहा है भाई, अभी गर्मी की वजह से ट्रैक्टर भी रुका हुआ है भाई, गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है। अब थोड़ा सा आपको ये भी दिखाता हूँ कि भाई ये होता कैसे है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर के पीछे इस तरीके का इम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला। तो ये क्या करता है, बहुत अंदर चलता है खेतों के अंदर और मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर डाल देता है, ये वाला काम करता है पूरा, आप देखो। तो इसी तरीके से चलता है वो भाई, अभी गर्मी की वजह से ट्रैक्टर भी रुका हुआ है वहाँ पे, वो भैया अभी आराम कर रहे हैं बिल्कुल। और इतना मतलब ये सुबह से चल रहा है और अभी 12-1 बजने आ गई है और इतना इन्होंने किया है, मतलब आधा खेत हो गया है। पूरा खेत करने में लगभग पलटी पलो करने में इनको हो जाएगी भैया शाम या 7-8 बज जाएगी रात की। तो भाई बहुत धीरे चलता है और अभी एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा, भाई क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये वाला खेत इसीलिए कराना है ताकि हमें थोड़ी सी उपजाऊ ज़्यादा मिले अपनी फसलों में, तो इसीलिए ये अभी हम करा रहे हैं। तो भाइयों अभी अपनी सारी गायें आ चुकी है यहाँ पे, आप देखो
ये देखो बस इनकी मिल्किंग होगी और उसके बाद सारी गायें चली जाएगी फिर से उसी जगह पे भाई, क्योंकि वहाँ पे भाई शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो यहाँ पे तो हम रखेंगे नहीं इन्हें, तो ये सारी चली जाती है और बछड़े यहाँ पर सारे रहते हैं, ये अपने बगलिनों और ये वाला यहाँ पर हम खोल देते हैं और इसमें से लगाकर यहाँ से लगाकर यहाँ तक बछड़े बछड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, ये सब यहाँ पर बैठते हैं रात के टाइम पर। अभी देखो एक बार इनकी मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी फिर भी इनके लिए बहुत सारी जगह हो जाएगी यहाँ पर। इधर आप देखो, और अब है ना मेन तो ये है कि ये वाला शेड भी अब बहुत छोटा पड़ने लग गया है, बहुत छोटा है, मतलब आप समझिए चलिए हमारे पास जितनी गाय है ना उसमें से आप समझ के चलिए कि ये वाला जो पार्ट है मतलब ये 75% ही पूर्ति कर पा रहा है अपनी गायों के लिए, तो इस शेड को भी हमें बढ़ाना है, पर अब इसे यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे वहाँ पे। तो प्लानिंग पूरी है, आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, अब सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या है और कैसे क्या हम पूरा शेड डिज़ाइन करवाएंगे। अभी यहाँ पे आप बाकी गायों को देख लो भाई, इधर देखो भाई अपनी जीत यहाँ पे रहती है हमेशा की तरह, अपनी जो जमुना है वो इस साइड रहती है, इधर इन खिड़कियों से भी बहुत अच्छी हवा आती है, अच्छा हुआ हमने दो खिड़की रख ली भाई, वेंटिलेशन बहुत अच्छा आता है। और भाई ये क्या हुआ है भाई, भाई भाई क्रैक बहुत बढ़ गया यार, ये तो देखो भाई दीवार में क्रैक आ गया भाई। चलो भाई इसका भी देखेंगे, वैसे जाएगा तो कहीं नहीं क्योंकि यहाँ पे लेंटर का सपोर्ट है यहाँ पे इस तरह से, और फिर भी है तो सही क्योंकि इधर इसके जो पीछे वाली जगह है ना वो थोड़ी सी नीची है, और ये हमने जब यहाँ पे किया था तब इसको अच्छी मिट्टी डाल के हमने हाइट ली थी, ये वाली हाइट जो आप देख रहे हैं ना आगे वाली, ये वाली हाइट थी जो खेत आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कितना भराव किया हमने, तो ये हाइट यहाँ पे इतनी बढ़ गई है। ये देखो भाई अपनी राधिका, राधी राधिका बहुत शांत है आज तो, वो खा रही है आराम से। और इधर चलते हैं, गायत्री है, कपिला है, मोहिनी, गुन्नू, और ये रही हमारी गंगा, बगली आज, अरे भाई ये हाथ खाने के लिए तैयार रहता है हमेशा, राधिका की बछड़ी। और यहाँ पे आप देखो भाई, अभी यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा भूसा हमने डाल दिया, ज़्यादा हम डालते नहीं हैं क्योंकि जितना थोड़ा बहुत ये खा लेती है बाकी तो सब वहाँ पे ही रहता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डालते नहीं हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा कम रहता है क्योंकि अगर रात में भी अगर यहाँ पे गायें रखेंगे तो ज़्यादा डाल देंगे, पर अभी इतना नहीं डालते अभी। और अब थोड़े टाइम के बाद इनकी मिल्किंग स्टार्ट होने वाली है और फिर होगी इनकी मिल्किंग, और जैसे मैंने आपको बताया शेड के बारे में तो शेड की क्या प्लानिंग है मैं आपको बताऊँगा और कहाँ पर बनाएंगे वो भी बताता हूँ। चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे ही देता हूँ इस व्लॉग में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जितना भी हमारा शेड बनेगा वो अब सारा उसके पीछे बनेगा, ये वाला हम पूरा खोल देंगे यहाँ पे, आप जो देख रहे हैं ना मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये हम पूरा हटा देंगे यहाँ से क्योंकि हमें चाहिए जगह भाई, जगह अभी यहाँ पे थोड़ी कम है तो थोड़ी जगह उधर पीछे साइड हम थोड़ी सी मिट्टी डाल के थोड़ा सा हाइट ले लेंगे और फिर वहीं पे अच्छा सा एक शेड बनाएंगे, और शेड ऐसा बनाएंगे बिल्कुल मॉडर्न शेड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगना चाहिए कि यार नहीं यार हे कोई गौशाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत गाय है तो शेड भी उस हिसाब से हमें बनाना चाहिए। तो देखते हैं देखो कब तक होता है, मैं अभी घर वालों को मना रहा हूँ कि हाँ बना लेते हैं, वो मान नहीं रहे हैं अभी कि अभी इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा सब धीरे धीरे हो जाएगा, पर मेरी इच्छा है कि इस साल अपन शेड बना लें अच्छा सा, तो देखते हैं देखो अब क्या होता है और घर वाले कब तक मानते हैं शेड को लेके। और मैं फिर बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से बनाऊंगा और थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, पर हाँ बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत शेड हम बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि हमें आने वाले टाइम में मतलब लगभग मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़े यार, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे वो हमने बाउंड्री की, थोड़े टाइम के बाद फिर ज़रूरत पड़ गई यार देखने की, यहाँ पे ये हमने थोड़े टाइम पहले बनाया था अभी इसका कोई भी यूज़ नहीं आएगा आप देखो, हालांकि इसको तो हम किसी ना किसी दूसरी चीज़ में यूज़ करेंगे सही, पर हाँ अब दिक्कत हो गई है मेन, देखते हैं देखो अब क्या होता है। बाकी आप कॉमेंट करके बताइए हमें शेड कैसा बनाना चाहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर से दबाना। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।